बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर में हैं। रायपुर में आरएसएस पदाधिकारियों के साथ अमित शाह की बैठक जागृति मंडल में हो रही है। बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह भी बैठक में शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक भी मौजूद हैं। आज अमित शाह राजधानी के गौस मेमोरियल ग्राउंड में मोदी फेस्ट का उद्घाटन और बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में महिला लाभार्थी सम्मेलन जैसे 2 अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुदीप त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुदीप, और क्या कुछ कार्यक्रम है अमित शाह का? देखिए, अमित शाह सुबह पहुंचे थे जागृति मंडल में। वहां पे जो संघ के तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी उन्होंने मीटिंग ली है और उनसे जो तमाम जो कार्यक्रम चल रहे हैं 2018 के चुनाव को लेकर जो आरएसएस और संघ की जो भूमिका है उसको लेकर उन्होंने चर्चा की है और उसके बाद उनसे सुझाव मांगे कि आगे क्या क्या चीजें किए जा सकती है। फोकस इसी बात पे था कि आने वाले समय में किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है। जो संघ के जो तमाम काम यहाँ पे अलग अलग जिलों में चल रहे हैं, खासकर जो नक्सल प्रभावित इलाकों में जो संघ का काम चल रहा है उस पर काफी देर तक लंबी चर्चा हुई, बातचीत हुई। उसके बाद अमित शाह अभी तकरीबन 10:30 बजे वो मोदी फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गौस मेमोरियल मैदान में ये मोदी फेस्ट होना है। मोदी सरकार की जो तमाम केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से लोगों को क्या क्या फायदे हुए हैं उसका वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी वहाँ पे किया गया है और उसको लेकर वहाँ पे चर्चा की जाएगी और साथ ही वो लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद हितग्राहियों का सम्मेलन होना है, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना और जो ऋण योजना के तहत तमाम हितग्राहियों को जो लाभ हुआ है और किस तरीके से आगे लाभ पहुंचाया जाए, दूर दराज तक किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जाए, इसका लेकर एक हितग्राहियों का सम्मेलन किया गया है। वहाँ भी अमित शाह महिलाओं को और जो लोग हैं उनको संबोधित करेंगे और जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देंगे और आने वाले समय में जो 2018 के चुनाव का जो लक्ष्य बनाया गया है उसको लेकर वहां पे अपना विजन जो है वो लोगों को बताएंगे। शुक्रिया सुदीप, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।